गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपकी लाइफ शादी के बाद की। तो हो सकता है कि ये कुछ लिमिटेड और स्पेसिफिक लोगों से ही रेजोनेट करे, यानी कि जो लोग मैरिड हैं वो अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी चेक कर लें, और जो लोग प्लान कर रहे हैं शादी का, ये उनके बाद की लाइफ भी हो सकती है। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर लोग शादी हुई और वो सेपरेट हो गए, गॉड फॉरबिड अगर डिवोर्स हो गई, सिंगल हो गए हैं, तो ये उनकी भी लाइफ से रेजोनेट करेगी। फोर्थ थिंग ये कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर उनको ऑफिशियली एज अ कपल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा अरसा अपना एक दूसरे के साथ गुजारा है, तो ये उनसे भी थोड़ी बहुत रेजोनेट करेगी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि ये एक तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड लोगों के लिए डेफिनेटली है। तो आप मैरिड होते हुए भी वही मैसेजेस पिक कीजिए जो आपकी सिचुएशन पे बेस करें, ठीक है? सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं, सब लोग अपने अकॉर्डिंगली टैरो को देख रहे होते हैं, क्योंकि आज अगर ये मैरिड लोगों के लिए रीडिंग है तो डेफिनेटली इसको सिंगल्स नहीं देखेंगे, लेकिन आप एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है? मैं ये टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, इट्स नेम इज़ वाइस वर्सा, और मैं इसलिए आपको ये शो कर रही हूँ क्योंकि ये जो डेक होता है ये बहुत स्पेशल होता है। इस डेक में इसके फ्रंट बैक के इमेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी कि फ्रंट और बैक होता है कार्ड फ्रंट से। अगर ये एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है तो ये यहाँ पे भी एट ऑफ सोर्ड्स होगा, लेकिन शफल करते दौरान जिस तरीके से भी कार्ड पुल आउट होता है उस तरह से कार्ड को पिक किया जाता है। मैं इसलिए आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जो हूँ वो डेक्स को या कार्ड्स को जो है वो पहले से सेट किया हुआ। ये कार्ड फ्रंट से भी ऐसे हैं तो ये कार्ड बैक से भी इनका इमेज है, इसीलिए इनका नाम वाइस वर्सा है, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे वो व्यूअर्स जिनकी शादी हुई हुई है या शादी के बाद की ज़िंदगी, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। वन टू थ्री, ये भी कार्ड आना चाह रहा है। ओके, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यस, आपके शादी के बाद की जिंदगी, या तो आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं या आपके पर्सन हैं, ठीक है? यहाँ पर लकीली सारे ही स्टार साइंस हैं, यहाँ पर एयर साइन भी है, यहाँ पर फायर साइन भी है, यहाँ पर वाटर साइन भी है, यहाँ पर अभी तक अर्थ साइन नहीं है, ठीक है? आपके शादी के बाद की लाइफ, आई थिंक आपने जब शादी का फैसला किया तो आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन थे, आपने एक रिजेक्टेड लव के साथ शादी की, या तो आप रिजेक्टेड थे या आपके पर्सन रिजेक्टेड थे, कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन के साथ उसको रिजेक्शन फेस हुई है। हो सकता है आपने इतनी सीरियस रिजेक्शन देखी हो कि उसके बाद आपने डिसाइड किया हो कि अब शादी कर लेनी चाहिए। आपसे शादी के टाइम पर झूठ बोला गया, दिखाया कुछ और हुआ कुछ, निकला कुछ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ क्लियर साइन एंड सिंबल ऑफ डिसेप्शन। इसमें कोई दो तरफा राय नहीं, एक तो आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन थे और जब आपकी शादी हुई तो आपसे झूठ बोला गया। शायद आपको झूठ इसलिए बोला गया, मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपसे झूठ इस वजह से बोला गया क्योंकि आपसे शादी करने का फैसला डे वन से ही कर लिया गया था, आपके पार्टनर ने डे वन से डिसाइड कर लिया था कि शादी मुझे इससे ही करनी है। थोड़े से माइंड गेम ज़रूर खेले गए आपके साथ, लेकिन इस पर्सन की इमोशंस आपके टूवर्ड्स जेन्युइन थे,
या तो कुछ लोगों ने ऐसा धोखा दिया हुआ था कि आप कोई अपनी ट्रू जेन्युइन साइड शादी के वक्त पे नहीं दिखा सके या दिखा सकें जो भी खातून हैं या मर्द हैं, लेकिन इस पर्सन ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्सप्रेसिव नहीं है अगर अभी आपकी लाइफ में है तो, या अगर आपकी लाइफ से जा चुके हैं तो। दोनों सूरतों में एक्सप्रेसिव कम है, प्रैक्टिकल साइड इनकी ज़्यादा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो कि इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन उसके एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से लोग उसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत एरोगेंट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप इस इमेज में भी देखें तो ये पर्सन बहुत गुस्से का लग रहा है, लेकिन फिक्स होते हैं, फर्म होते हैं अपने डिसीजन में। इस पर्सन ने आपसे शादी करने का डिसीजन डे वन से ही तय कर लिया था, लेकिन बहुत झूठ और मैनिपुलेशन करनी पड़ी इस पर्सन को आपको शादी के लिए मनवाने के लिए, और जब आपकी शादी हो गई तब आपके सामने शायद ट्रुथ रिवील हुए। अब वो क्या ट्रुथ थे वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन यकीनन विद दिस डिसेप्शन आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपाई गई और उसके बाद आपसे शादी की गई। ये है आपकी शादी की, यानी आपके शादी के बाद की लाइफ। लेट्स सी व्हाट मोर। सिक्स ऑफ वांड्स, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप्स, ऑलराइट। ये आपका चाइल्डहुड लव था, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। आपको इस शादी ने जो धोखा दिया, यानी कि जो एक चीज़ जो आपसे छुपाई गई, धोखे से मुराद ये कि कुछ दिखाया कुछ और था कुछ और, उसमें एक चीज़ ये हुई कि आपने अपनी शादी के बाद सक्सेस बहुत देखी है, आप बहुत पब्लिक आई में हैं, आपका बार ग्राफ बहुत बड़ा है, यानी बहुत ऊंचा हुआ है, आपको फेम मिला है, नाम मिला है, लोग आपको जानते हैं। दूसरी तरफ ये आपका चाइल्डहुड लव है, आप इनको बचपन से जानते हैं, ये आपके कज़न हो सकते हैं, आपके नेबर्स में से हो सकते हैं, ये जो भी थे आपने इनसे मोहब्बत की तो ये आपके चाइल्डहुड लव ही था, यानी। और ये भी हो सकता है कि आपका शादी से पहले कुछ छः साल अरसा जो है वो आपका डेवलपमेंट फेज़ में रहा। आपके पर्सन ने एक मोमेंट पर आकर आपको लटका भी दिया था, आपके टूवर्ड्स उनके इमोशंस थे, उनको अंदाजे थे। आप थ्री ऑफ वांड्स के नीचे ही हैंगमैन का कार्ड आया है, उनको ये मेजर रियलाइजेशन थी, लेकिन शायद उन्होंने कुछ अरसे के लिए आपको लटका दिया, और लटकाने के बाद जो आप बने, यानी कि ऐसा कर दिया कि होता है ना शादी के बाद ऐसे मसले मसाइल में इंसान घिरता है कि घर वालों की सुने या बीवी की सुने, घर वालों की सुने या शौहर की सुने, तो आपके साथ ये हुआ। लेकिन आपने उनके लटकने का ये फ़ायदा उठाया कि ये तो अटक गए हैं, चाहे वो आपकी बीवी थी या आपके मियाँ हैं, दोनों में से जो भी, ये तो अटक गए हैं, मैं ना अटकूं। आपने अपनी ग्रोथ को रोका नहीं, आप शायद गो विद द फ्लो में रहे, और उस दौरान आपकी जो ट्रू सेल्फ थी वो सामने आई। आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बड़े मेंटली इंटेलिजेंट पर्सन हैं, फर्टिलिटी आपकी बहुत है, खूबसूरत आप बहुत हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, और आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा ग्रूम भी हुए। ग्रूम होने से साथ साथ अपीरियंस वाइज भी और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पब्लिक आई में आप बहुत आए, कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया कि आप पब्लिक आई में आए, और आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आप पब्लिक आई में आकर इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं। यानी आप इस वक्त क्वीन ऑफ वांड्स में हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं आप, मेल हो या फीमेल, लोग आपकी लुक्स पर बड़ा मरते हैं, बहुत आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं, लोग आपको बहुत प्रेस करते हैं, और लोग ख्वाहिश करते हैं अब आपको देखकर कि काश आप उनकी ज़िंदगी में होते, ठीक है। इसीलिए शायद जो रिजेक्शन की बात है वो इसी वजह से रिवील हो रही है और जस्टिफाई हो रही है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी मोर। ये मैं आपकी शादी के बाद की रीडिंग कर रही हूँ।
तो प्लीज़ वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपकी लाइफ से रेजोनेट करें। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मैरिज का ही कार्ड है, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। आपको शादी के बाद आपके एक्स लव ने कांटेक्ट किया, एक्स पार्टनर ने कांटेक्ट किया, आपको उस पर्सन ने कांटेक्ट किया जिसने आपको रिजेक्ट किया था। अगर रिजेक्ट उस पर्सन ने नहीं किया, एक्स ने नहीं किया, तो आपका ये जो पर्सन जिससे आपकी शादी हुई है, इसी के साथ आपकी रिजेक्शन हुई थी और ये हार्ट ब्रेक आप अपना भूला नहीं थे। आपने कभी भी नहीं भुलाया कि इसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था, ये बात आप कभी भी नहीं भूले हैं। और ये चीज़ आपकी शायद फ्रॉम डे वन से हील इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आपके पार्टनर ने उतनी एफर्ट आपको कभी भी नहीं दिखाई जो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ दिखानी चाहिए है। जबकि आपकी मैरिज बड़ी सक्सेसफुल मुझे नज़र आ रही है, आपकी मैरिज है, अभी भी है, विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स आई फील आप लोग अभी भी ऑफिशियली कपल हैं। मुझे यहाँ पर कोई भी जो है वो सेपरेटेड या सिंगल पेरेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ जो प्रॉब्लमैटिक है वो ये कि इस थर्ड पार्टी या इस हार्ट ब्रेक की वजह से आप अभी तक अपनी लाइफ में पीस ढूंढ रहे हैं। कभी कभी आपको शायद लिटरली ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं। इसी शादी को बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद शायद फ़ील होता है कि आप इसी शादी को छोड़ के कहीं चले जाएं, लेकिन आप छोड़ना भी नहीं चाहते, किसी भी सूरत आप छोड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज़ आप अपने ट्रू पार्टनर सोलमेट से आपकी शादी हुई है, लेकिन आपकी हीलिंग नहीं हुई। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई, जो आपके बिगनिंग में ट्रॉमास रहे इस शादी को लेकर वो हील नहीं हुए, और उन्हीं ट्रॉमास के साथ, उन्हीं मिसकमिटमेंट्स के साथ आपकी जो है ना शादी हो गई। बिकॉज़ ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, ये धोखे का कार्ड है। ये धोखा शायद टिल डेट आपकी लाइफ में चल रहा है और आप बहुत इरिटेटेड और एनॉयड हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती। आपको हमेशा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में हमेशा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है। किसी पर्सन का मैं इन्फ्लुएंस नहीं देख रही, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। शायद आपके पार्टनर को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या वो आपको दिखाते उतना नहीं है जितना उनके पास है। आपको फाइनेंशियली या मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर आपको उतना नहीं देते जितना आप डिज़र्व करते हैं। उस वजह से आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी भी नहीं देते और आप इस रिलेशनशिप में बंधे रहना ज़्यादा जानते हैं। आपको लगता है कि प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि शादी रहे, और शायद आपको बहुत ज़्यादा हालात का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप देखें बहुत ही सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिसीजन मेकिंग, अटके हुए और शादी है। इनएक्सप्रेसिव, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन पीस। तो डेफिनेटली आप लोग की एनर्जी भी बाज़ दफ़ा मुझे लगता है एज अ कपल बड़ी क्लैश करती होगी। जब आप खुश होते होंगे तो वो सैड हो जाते हैं, जब वो सैड होते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता, और यही चीज़ें आप लोगों को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। लेट्स सी मोर आपके शादी के बाद की लाइफ। सबसे पहले ये कार्ड आया था फोर ऑफ सोर्ड्स, फिर ये कार्ड आया था टू ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद थ्री ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, एंड देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपनी ज़िंदगी में अब जो भी झमेले और जो भी बखेड़े हैं उसमें अब आप बहुत
डीप विद इन चले जाते हैं और ख़ामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप शादी के बाद अब ऐसे हो गए हैं कि जाओ सब भाड़ में, मुझे अकेला छोड़ दो। आप अपनी लोनलीनेस को और अपनी आइसोलेशन को इन्जॉय करते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब आपने इस उम्र में, इस स्टेज में अपनी शादी के बाद शायद ये लेसन सीखा है कि कुछ नहीं मिलता अपने मोमेंट्स को किसी को डेडिकेट करके, चाहे वो लवर हो या चाहे वो आपका ऑफिशियल मैरिड पार्टनर हो, मेल या फीमेल, यानी हस्बैंड या वाइफ। अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आपने अब ये डिसीजन बना लिया है और आई थिंक अब आप इस पोजीशन में भी हैं कि आपको लगता है कि कोई कुछ कहे या ना कुछ कहे, मैंने जो अब अपनी ज़िंदगी में करना है मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखी है वो ये कि अब आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अब आप हर उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में रहे। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली सेलिब्रेशन मोड में एक लेडी ही नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर देखें, वो अपनी सेलिब्रेशंस अकेले भी करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उसको फ्रेंड्स के साथ यानी पार्टनर के साथ भी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपके पार्टनर इस पार्टनरशिप पर मुस्तकिल काम करने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन शायद वो अपना 100% नहीं दे पाते। आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन मुझे लग रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसी जगह भी कील ठोक रहा है क्योंकि इसको इतना यकीन है इस बात पर कि ये खोखली सी फाउंडेशन है। अगर आप देखें ये पिलर कितना दड़ाड़े खाका के खोखला हो गया है, लेकिन एक बंदे का फेथ इतना स्ट्रांग है कि उसको इन दरारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरा जो है वो अपने इन एक्सपीरियंसेस को यानी अपने गलत तजुर्बात को अप्लाई करे। उसने नीचे आप देखें उसने कितनी खोखली हरकतें कर करके इस फाउंडेशन को खोखला कर दिया है, लेकिन अब भी वो एक ऐसी हरकत कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा है कि मुझे ये बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक हुआ है कि इन दो इमेजेस में से एक इमेज आपका है। आप बहुत कुछ देने के बाद भी आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपने इनके तमाम बर्बाद करने वाले मामलात को ठीक किया, और अब भी अगर ये आपके साथ पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो हरकतें इनकी वही हैं, वही हरकतें ये कर रहे हैं। और आप देखें नीचे से जो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई उनकी इनको फिक्र नहीं है और अभी भी ये आखिरी हथौड़ा वहीं मार रहे हैं ताकि अब ये जो ऊपर से बना कुछ जो कुछ भी ना ये भी धड़ाम से गिर पड़े। और अब आपकी जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल ये हो गई। अब आप बिल्कुल अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाह रहे। अब आप कह रहे हैं जाओ भाई तुम्हें जो करना है भाड़ में जाओ, मेरे पास कम होगा, लिमिटेड होगा, अच्छा होगा, तुम्हें वही बेवकूफ़ाना हरकतें करनी हैं अपनी तो तुम करो, मैं अब ना कुछ बोलूँगा ना बोलूँगी, ना मैं अब कुछ कहूँगा ना कहूँगी। आप बिल्कुल ऐसे हो गए। आप अब हर मोमेंट को इन्जॉय करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई छोटी सी भी खुशी आती है आप कहते हैं इसको सेलिब्रेट करो, इनको नहीं करना, ये जाएं भाड़ में। अब चाहे ये आपकी हस्बैंड हो या चाहे आपके वाइफ हो, यू टेक इट, बट आपने डिसीजन बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। मैं फाइनल मैसेज लेती हूँ आपके लिए, लेट्स सी मोर। फिर मैं आपके लिए रोमांस ओरेकल से भी कार्ड निकालूँगा। वेरी नाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ऑलराइट, द सन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आप तो भाई बहुत ही छा जाने वाले शख्स हैं जो भी हैं। फाइनल अगर मैं आपका कंक्लूजन देखूं तो आपके पार्टनर कहीं भी भूल के भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, ये तो आप लिख लें, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप वो वाहिद इंसान हैं जो कि ज़िंदगी में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना जानता है। आपका जो फेथ है और आपकी जो स्ट्रेंथ है
वो बिल्कुल एक हॉर्स पावर की तरह है, यानी आप जहाँ जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और आपके अंदर वो एनर्जी है कि आपके साथ खुश रहा जा सकता है। आप अगर इस इमेज को गौर से देखें तो ये लेडी का चेहरा इतना उदास है, बट फिर भी उसने हर बात को भुलाकर इसको गले लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी एक लेडी का ही इमेज है और सारे कप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और इस पूरे दलदल और कीचड़ के बावजूद भी ये लेडी अपने कप के साथ एक ट्यूलिप पे खड़ी हुई है। तो ये तो बात फॉर श्योर है कि आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, मेरा ही नुकसान होगा। विद दिस किंग ऑफ वांड्स यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी पैशनेट, बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। शायद शादी के शुरू के अरसों में आप क्वीन ऑफ वांड्स रहे और अब आप किंग ऑफ वांड्स बन गए हैं। मैं आपके लिए ख़ास मैसेज आपको ये दूंगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें बुरी नज़र से, बिकॉज़ यहाँ पर एक लिजर्ड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिजर्ड है, और लिजर्ड जो होती है वो एक एनिमी का साइन होता है। वो हमारे यहाँ एक कॉल है कि उससे बड़ा कोई मुनाफिक इंसान नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो इसका मतलब आपके डिसीजंस जो हैं वो लाइफ के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आज मैं बहुत धीमे बोल रही हूँ, बहुत आराम से और बहुत हल्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की रीडिंग कुछ साइलेंट और कुछ क्वाइट सी है। मैं नहीं चाह रही कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में जो है वो आपको ऐसे मैसेजेस दे दूँ जो बिल्कुल बिला वजह के भी हों, यानी कि वैसे मैं ऐसे मैसेजेस नहीं देती। बाज़ दफ़ा मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ एंड आई थिंक जो मैरिड लोग हैं वो बेटर वे में अगर अपनी रीडिंग को अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और वही मैसेजेस लें जो उनकी सिचुएशन से मैच करते हैं। मैं आपकी रीडिंग का पूरा ओवरऑल आउटकम देखूँ तो आपको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप ज़ाहरी तौर पे भी बहुत खूबसूरत हैं और आप अंदरूनी तौर पे भी बहुत खूबसूरत इंसान। आपकी रूह भी अच्छी है और आपकी नीयत भी अच्छी है। आपको जो इंसान छोड़ेगा या अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो बुरा पलटकर उसके पास फौरन आ जाएगा। और ये तो आप भूल ही जाइए कि आपका पार्टनर आपके साथ कुछ बुरा करना चाहेगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर की खुशी आप ही के साथ है और अब वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग को मानते भी हैं। वो जानते हैं कि आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जितने फ़ैसले किए, अगर अपनी ज़ात के लिए तो वो भी सक्सेसफुल रहे, जो फैमिली के लिए लिए वो भी सक्सेसफुल रहे, जबकि आपको वो रिस्पांस इतना इज्जत के उसमें बदले नहीं मिला। लेकिन ऐसा है, आपके पार्टनर की खुशी सिर्फ आप में है, वो कहीं और खुशी नहीं ढूँढते, वो आप ही में ढूँढते हैं। और मेरे ख़्याल से थोड़े से एडिक्टेड भी हैं आपके टूवर्ड्स, थोड़े पजेसिव भी हैं आपके टूवर्ड्स और थोड़े से ऑब्सेस्ड भी हैं आपके टूवर्ड्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो अच्छी बात है अगर आपके पार्टनर आपसे इतने चिपकू हैं तो लेकिन अब आप अपनी पोजीशन को ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि यहाँ पर पीस का कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और फोर ऑफ कप्स का, एक टूटे हुए दिल के साथ आपने अपनी शादी शुरू की, ये तो मैं फॉर श्योर कर सकती हूँ। आपका दिल टूटा हुआ था, धोखा खाया हुआ था आपने, और उसके बाद आप स्टार की फॉर्म में आ गए, सन की फॉर्म में आ गए। तो आप हीलर भी हैं, आप लोगों को खुशियाँ भी देते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी का सबब हैं, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। ठीक है, मैं आज कोई ओरेकल, मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए ओरेकल्स भी निकालूंगी, लेकिन आखिर के कार्ड इतने खूबसूरत आ गए कि ओरेकल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं एक अच्छे किंग ऑफ वांड्स की तरह हैं, ऐसे ही रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।